खबर आपको देंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सख्त और हंगामी इकदामात का मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबे के तहत गलत और नामुकम्मल टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज की गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, एफबीआर ने रवा माली साल की जो पहली फरमाई है उस दौरान टैक्स हदफ हासिल करने और रवा माली साल के लिए जो मुकर्रर करदा टैक्स हदफ है उसका पूरा करने के लिए सख्त और हंगामी इकदाम का मनसूबा बनाया है। गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज दी गई है। गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने पर बिजली गैस के कनेक्शन मुनकता और इन अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की तजवीज भी शामिल है। एफबीआर ने मुख्तलिफ पॉलिसी इकदाम की सिफारिश की है। गलत गोशवारे जमा कराने पर जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी की तजवीज दी गई है। इन अफराद के थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करने की तजावीज भी इसमें शामिल है। एफबीआर ने एआई और एमएल इकदाम के जरिए अफराद का ऑडिट कराने की तजवीज दी है। हुकाम एफबीआर के मुताबिक हंगामी इकदाम का इतलाक टीयर वन रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स पर करने की तजवीज है, जबकि हंगामी इकदाम सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के तहत लेने का प्लान बनाया गया है, क्योंकि रवामन साल के जो पहले दो माह जुलाई और अगस्त उस दौरान एफबीआर को तकरीबन 98 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा है, तो इसलिए एफबीआर की जानिब से पॉलिसी इकदाम तजवीज किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी अपडेट करने के लिए।